नजर आपकी मुख्य खबर पर। प्रार्थना देना माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर हो रहा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान के खिलाफ मोर्चा खोलने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के अध्यक्ष राज ठाकरे, इन्होंने रामनवमी के मौके पर शिवसेना भवन के बाहर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजा दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। इसे देखते हुए भारतीय एकता मिशन भीम पैंथर संगठन की ओर से अनेकों कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ मिलकर नारे निर्देशन देकर राज ठाकरे के विरोध में जनाक्रोश कर विरोध दर्शाया। सबको मेरा जय भीम। आपको याद होगा कि पिछले 8-10 दिन पहले मुंबई में शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जाहिर सभा हुई, जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने भाषण के बीच में बोला है, अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान किया है कि जहाँ जहाँ पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, जिस मस्जिद में अगर जहाँ पे भोंगे पे अजान बजती है उस मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगा के डबल आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाए, हनुमान चालीसा बोला जाए, ऐसा अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने आह्वान किया। उसके बाद नेक्स्ट डे ही मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों के सामने सिर्फ ढाई मिनट का आजान रहता है, उस ढाई मिनट के आजान के होते ही अपने मस्जिद के सामने उन्होंने डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल भोंगे लगाकर हनुमान चालीसा का जोर जोर से लाउडस्पीकर लगा के हनुमान चालीसा वहां पे उन्होंने लगाया। मैं राज ठाकरे को सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मस्जिद के सामने भोंगे से अगर आपको दिक्कत है तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आप कोर्ट में जाना था, आपने PI डालना था और कोर्ट के माध्यम से, इस देश में कायदा है, कानून व्यवस्था है, कोर्ट के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से उस भोंगे को आप उतार सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे आपकी एक ही मंशा थी, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के झगड़े लड़ाकर वोट बैंकिंग की राजनीति करना चाहते हो। अरे आप खत्म हो चुके हो, राज ठाकरे खत्म हो चुके हो, आपको कुत्ता भी नहीं बजानता। पूरे महाराष्ट्र में वो इतने 288 में से एक ही आमदार है आपका, वो भी आपके दम पे नहीं, राजू पाटिल खुद के दम पे चुनकर आया हुआ है। एक नागपुर में एक आपका नगर सेवक नहीं है, ना मुंबई में, ना पुणे में, नासिक में आपके 40 नगर सेवक आए थे, उसमें से भी माइनस हो गए हैं। पूरे सर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबने पार्टी छोड़ दी है। ये राज ठाकरे बिन पेंडे का लोटा है। ये बिन पेंडे का लोटा क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि वो कभी भी अपने एक बातों पे अटल नहीं रहता। जब उसने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना 2007 में बनाई थी, तब उन्होंने झंडा लिया था तो झंडे में सबसे पहला कलर था नीला कलर, ये SC समाज का कलर उन्होंने पहला नीला कलर लिया। दूसरा कलर उन्होंने हरा कलर लिया, मुस्लिमों को मैं अपने साथ जोड़ूंगा। उसके बाद सफेद कलर लिया, भगवा कलर लिया, बोलता है कि मैं जातिवादक नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र धर्म मानने वाला, सबको लेके चलने वाला हूँ। उसके बाद जैसे जैसे उसके वोट्स कम होने लगे, वो पीछे होने लगा, तो उसने पूरा वो चारों हल्का नीला हरा सफेद ऑरेंज कलर पूरा अपने झंडे से चेंज करके पूरा ऑरेंज कलर का भी बनाया। और सिर्फ उसका एक ही मोटिव है कि हिंदू का नाम लो, हिंदू से संपर्क बनने की कोशिश करो, हिंदू मुस्लिम के दंगे लगाओ, और हिंदू मुस्लिम के दंगे होंगे तो इधर मुस्लिम भाई मारे जाएंगे, हिंदू भाई मारे जाएंगे, लेकिन राज ठाकरे अपने फैमिली के साथ AC में बैठ के बैठा रहेगा, स्विट्जरलैंड जाएंगे, लंदन जाएंगे, लेकिन वो क्यों नहीं आता उसका बेटा? और वो आह्वान कर रहा, अगर कल भी अपने सभा में अगर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाने की कोशिश की तो भीम पैंथर के सभी कार्यकर्ता नागपुर शहर में मंच के पूरे कार्यालय फोड़ डालेंगे। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सन इंडिया News 19 देश की आवाज। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।